स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी में। मैं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। नवादा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है जुनाठी, जहां पर पूर्व मुखिया से प्रख्यात प्रत्याशी राम बालक प्रसाद जनता की अदालत में नजर आए। राम बालक प्रसाद ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में 10 वर्षों तक पंचायत की सेवा की। सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं चलाई गई उसको धरातल पर उतारने का कार्य भी किया, लेकिन वह पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, जिस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। राम बालक प्रसाद ने बताया कि जो भी काम उन्होंने किए हैं वो आज भी जनता के बीच मौजूद हैं, लेकिन पूर्व के चुनाव में पंचायत के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन मुझे चुनाव जबरन हरा दिया गया। इसके बावजूद भी मैं अपने जनता के बीच सदैव बना रहा, उनके सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो भी साधन सुविधा मेरे पास मौजूद था उससे सेवा किया। पुनः पंचायत का चुनाव बहुत करीब है और मैं जनता की अदालत में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है जुनाठी पंचायत की जनता अपना आशीर्वाद देकर मुझे निश्चित तौर पर पंचायत के मुखिया चुनाव का काम करेगी। राम बालक प्रसाद ने कहा, सरकार द्वारा कई योजनाएं वर्तमान व्यवस्था में चलाई गई हैं, लेकिन आज भी पंचायत हमारे विकास से कोसों दूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अति सराहनीय योजना था 7 निश्चय योजना, इसके माध्यम से पंचायत का बेहतर विकास होना संभव था, लेकिन वैसे नहीं हुआ। लेकिन मैं पंचायत की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं चलाई जाएंगी उनको धरातल पर उतारने का काम करूंगा, जनता का सम्मान करूंगा। ऐसे ही और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।